करेंगे मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें बढ़ी। साध्वी ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें कोर्ट में पेशी से छूट दी जाए, जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है ये, कोर्ट ने नामंजूर कर दी है साध्वी प्रज्ञा की ये मांग कि वो कोर्ट में पेशी से छूट चाहती थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी है। यानी मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा को जब जब बुलाया जाएगा कोर्ट की तरफ से, उन्हें वहां पर पेश होना जरूरी होगा। साध्वी ने कोर्ट से मांगी थी, उन्हें कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी उन्होंने दी थी, जिसे नामंजूर कर दिया गया है। अभिषेक शर्मा मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, साध्वी ने कोर्ट से मांग की कि उन्हें छूट दी जाए पेशी से, और कोर्ट ने साफ कर दिया कि उन्हें इसके ट्रायल्स के लिए आना ही पड़ेगा। कोर्ट में लगातार कई बार देखा होगा आपने कि पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कई बार उन्होंने छूट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने लगातार उन्हें फटकार लगाई और कहा कि आपको कोर्ट में आना पड़ेगा। और आज जब कोर्ट में फिर उन्होंने हवाला दिया कि संसद सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान मुझे संसद सत्र में मौजूद होना होगा, मुझे वहाँ पे हाजिरी लगानी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर कोर्ट में डे टू डे कोर्ट में अपील एफियर नहीं हो सकती। और इसी बात को लेकर कोर्ट ने गुस्सा भी जताया और कैसे नाराजगी जताई और साफ कहा कि नहीं, आपको कोर्ट में आना होगा, क्योंकि और भी जो जो इसमें आरोपी हैं वो आरोपी डेली की डेली कोर्ट से जो उनको कहा गया वो आ रहे हैं, तो आपको भी कोर्ट में आना होगा। इसलिए कोर्ट ने जो उनकी दलील थी और जो उनकी अर्जी थी कि संसद सत्र के दौरान उन्हें संसद में मौजूद होना होगा इसलिए वह नहीं आ सकती, उसको नामंजूर कर दिया है। यानी साफ कह सकते हैं कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अब क्योंकि इस हफ्ते की बात करें, क्योंकि आपको बता दूं कि ये मालेगांव ब्लास्ट में आइए कोर्ट हाउस में डे टू डे सुनवाई डेली सुनवाई हो रही है, और इसलिए इसमें उनको डेली अपियर होना पड़ेगा। जो दो दिन बचे हैं, हफ्ते का दो दिन बचा हुआ है, कल का शुक्रवार और शनिवार, तो देखना यह होगा क्या कल और शुक्रवार को कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह पेश होती है, या फिर अगर पेश नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कोर्ट इसको संज्ञान लेगा और उसके खिलाफ जाहिर सी बात है कुछ और टिप्पणी हो सकती है, कुछ कार्रवाई करने की बात हो सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि कल क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह कोर्ट में मौजूद होती है या नहीं होती, जबकि उनकी अपील जो है, जो उनका अर्जी था, जो कहते हैं जिन्होंने डिमांड की थी, उसको कोर्ट ने साफ खारिज कर दिया है। ठीक है अभिषेक, यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह साबित कर दिया अपने इस तरह के उनकी डिमांड को खारिज करके कि कानून की नजरों में सब एक समान है, कोई चाहे एमपी हो या फिर आम इंसान, सबके साथ एक समान सलूक करती है कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो पेशी से छूट चाहती हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पेशी से छूट उन्हें नहीं मिल सकती है। एक बार फिर से आपको ये मामला बता देते हैं, मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि साध्वी ने कोर्ट से मांग की थी कि उन्हें कोर्ट में पेशी से छूट दी जाए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जब जब पेशी होगी उनको कोर्ट में आना पड़ेगा, जब जब कोर्ट उन्हें बुलाएगी उन्हें वहां पहुंचना पड़ेगा, तो कोर्ट ने उनकी जो अर्जी है उसको नामंजूर कर दिया है। कोर्ट की तरफ से ये साफ कहा गया है कि उन्हें जब जब बुलाया जाएगा कोर्ट में उन्हें आना होगा। अगली बड़ी